दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी हैं, इनकी चाबी खो गई है। ये चाबी ढूंढ रहे हैं, हमने इनसे झूठ बोला है कि भाई डॉगी ले गया इनकी चाबी स्कूटी से और उस तरफ गया है, और इनको पता नहीं है हम शूट कर रहे हैं, इनकी चाबी हमारे पास है। तो थोड़ा सा इनको मेहनत करने देते हैं, फिर इनको देते हैं। देखने लगता है, रुक जा, तू पंगा मत ले, मैं बता रहा हूँ। तो फिर थोड़ा मेहनत करने दे, जरा नीचे नहीं आते ना ये, थोड़ा सा नीचे घूम लेते। तो अरे लड़ाई क्या, यही तो फन है। ये है, ये ढूंढ रहे हैं चाबी। बुला ले बुला ले। अरे मैं भी थोड़ी ना भरूंगा। प्रेमा दीदी इधर आओ, बोल इधर आओ। इन्होंने बोला मेरे को, कैसे बोलूं? ये नहीं चाबी अभी तो मेरी वो है, पता है मैंने इसको सिर्फ स्कूटी की चाबी। नहीं आप नीचे नहीं आते ना, हमने का थोड़ा सा घुमाते हैं आपको। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ये चल रहा है हमारा मिशन डेबू हेयर कटिंग, तैयारी चल रही है, और थोड़े से बाल काट भी दिए हमने, ये देखो। लेकिन इसको पता चल गया, इसको थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया 1-2 मिनट का, एंड हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। और ये भागते हुए ये नहीं करवाएगा, आईपैड लेके भाग गया हो अंदर, नहीं ना कारपेट पे सारा हो जाएगा, बाल ही बाल हो जाएंगे। लिंगो किड्स देख रहा है, लिंगो किड्स। अरे ऐसे नहीं करेगा। ये बाल नहीं बनवाता, हाथ से करना पड़ेगा आपको। बस अब कर दो, अब ये फॉर्म इसने ले लिया ना, अब नहीं परेशान करेगा ये। ए बेबी, मैं इसको अपनी गोद में बिठाऊं क्या? अरे बाल, मैं कहां से आऊं? जो पापा पहन, मुझे तो आने दो। क्लीन नहीं दिख रहा ना ऐसे। मुझे धूप लग रही है। मैं इनकी हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी, वरना ये मेरे पे बरस पड़ेंगे। पकड़ नहीं दिए, वीडियो बना रही है। मैं इसकी कटिंग करवाती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। लो जी, कटिंग हो गई है इसकी, जैसी टूटी फूटी बड़ी मुश्किल से करी है। लेकिन अच्छा बच्चा बन गया। दिखा दो अपना फेस। अरे हट तो सही आगे से। ये देखिए इसको। तो ये कटिंग हो गई है दाबू की, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करवाई है इसने हमें। रो के आधा ही हो गया लड़का। दाबू, शक्ल ही निकल आई बार।
अब ले जा रही हूँ देव किट्टू को। अब किट्टू जाएगा नहाने और फिर मैं और फिर हम सब दोपहर में सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास इतनी देर से मैं इसको चुप करा रही हूँ, पर नहीं नहीं चुप होना। अपने पापा के पास जाके बस रिलैक्स फील किया उसने। क्यों भाई, हमारे पास क्या मतलब, हमारे पास चुप नहीं होना था आपको? डेबू देवा पापा की परी है, पापा की परी है। ठीक है, आराम है अब? ठीक है अब, आराम है अब, आराम है उसे, आराम है, आराम है। इतनी देर से कह रही थी गले लगा लो इसको, गले लगा लो इसको, कब का ही चुप हो जाता आधा कदर रुला रुला के। बच्चे बच्चे की जबकि मत डाल जोर से, एक हैंकी देना हैंकी। न्यूज़ी आ रही है, न्यूज़ी आ रही है, न्यूज़ी तू तो सुनो कर रही है, न्यूज़ी तो इसकी आ रही है। मेरी तो आदत है, बोला तो है आपने, तेरा सीक्रेट। मेरी बैड हैबिट। फ्रूट सैलेड रेडी है और ममता सिलेक्ट कर रही है इसमें से एप्पल, एप्पल मीठे मीठे और संतरे छोड़ दिए मेरे लिए खट्टे खट्टे। फ्रूट सैलेड भी रेडी है। कबीर अपना कबीर, ये तेरी नोज पे मास्क से कुछ ज्यादा ही हो गया यार। कोई बात नहीं, मास्क मास्क मत पहनियो अब, ठीक है? सारा रेड हो गया बेटा। मेरी बारी कब आएगी? फ्रूट सैलेड भी रेडी, किट्टू एक फोक ले आओ, और ममता भी रेडी है। जा किट्टू फोक लेके आ, इससे पहले बराबर हो जाए सारा मामला। अभी कह रही थी मैं खाऊंगी नहीं, खाऊंगी खाऊंगी नहीं, मैं ये बोल रही थी संतरे खट्टे हैं। ये आवाजें कहां से निकाल रहा है? आप तो कह रहे थे आपकी बारी आएगी तब है? देख मेरी बारी आएगी, मैं कांटे में सारा फ्रूट फंसाएगी, धीरे धीरे लगे खाएगी। मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ, नाश्ता करवा रही हूँ, और आप वो देखो मुझ मुझ की आवाज आ रही है। कितना रसीला है। मेरे बच्चा है कुछ रसीला दिख गया मुझे, कितना रसीला है। खट्टा शाह खट्टा, आप तो कहते कि बहुत मीठा है। ये दोनों बेटे मेरे ब्रेड के शौकीन हैं, मेयोनीज़ और ब्रेड खाते हैं, बटर ब्रेड। बटर नहीं है, देसी घी है। देसी घी है? मैं तो यार सूखी ब्रेड खा रहा हूँ यार। हाँ क्यों नहीं, सूखी ब्रेड खा रहा है। और ये का तो ये मैं आखिरी ब्रेड है ना, आखिरी ब्रेड है। तो बेटा तू उससे पहले फ्रूट सेब भी तो खा चुका है एप्पल। अब दरअसल में दोस्तों बात ये है कि इसको पढ़ना है, अब पढ़ने की बारी जब आती है ना तो इसको भूख भी जम के लगती है और प्यास भी जम के लगती है, और फिर इसको वॉशरूम भी जम के आता है, और ये सारा टाइम उसी में निकाल लेता है। दोस्तों सैलेड खा रहे हैं, बारी आ जाएगी तो मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर ममता बराबर कर देगी सारा। क्यों नहीं, ममता ही तो खा लेती है सारा उसके, उसको देखो। ममता और ममता का बेटा। कितना रह गया है यार, चश्मा पता नहीं क्यों टेढ़ा हो जाता है। तो वेट है मुझे बहुत बेसब्री से कि जल्दी से ऑनिंग आए और गाड़ी में फिट हो जाए, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे पूरा सेटअप कैंपिंग का, बहुत मजा आने वाला है। थोड़ा सामान और भी मैंने मंगवाया है कैंपिंग से रिलेटेड, वो भी दिखाऊंगा आपको जब वो आ जाएगा अमेज़न से। बहुत एक्साइटेड है हम, नेक्स्ट वीक की तैयारी फुल पक्की वाली है, तो बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे हिमाचल प्रदेश अपनी निगाहों से। देखो कितनी सेवा। लास्ट वाला चम्मच हमेशा बढ़िया होता है खाने में, सेकंड लास्ट। जैसे इसने अभी खाना खत्म किया है और वैसे ही अभी ये दोबारा से खाना बनाएगी मेरे, और खाना ख़त्म नहीं मतलब फ्रूट सैलेड ख़त्म किया है, वैसे ही अभी मेरे लिए खाना तैयार करेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और जो हमने सुबह पड़ोसी के साथ किया वो कैसा लगा कमेंट करके बताना, हालांकि पूरा शूट किया नहीं वो मैंने, तो कमेंट करके बताना।
तो बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जो भी नए लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें वीडियो में देख के एंजॉय करें खुद भी और सपोर्ट करें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।